सनी देओल, बॉबी देओल और उनके पापा धर्मेंद्र इन दिनों अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से के प्रमोशन में बिजी हैं। लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र के बायोपिक की हवाएं भी तेज हुई है। माना जा रहा है कि धर्मेंद्र की बायोपिक में उनका किरदार या तो सनी देओल निभा सकते हैं या फिर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हो सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दरअसल इन दिनों सनी देओल अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से के प्रमोशन में बिजी हैं, मीडिया से मुलाकात करते रहते हैं। बीते दिनों में एक ऐसी ही मुलाकात में सनी देओल से उनके पापा धर्मेंद्र की बायोपिक फिल्म को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, ये एक अच्छा विचार है लेकिन हमने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। पापा के करोड़ों चाहने वालों के सामने उनकी जिंदगी खोल कर रखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि सनी से जब पूछा गया कि क्या वो धर्म पाजी का किरदार निभाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में वैसे सोचा तो नहीं है, मुझ में और पापा में बहुत सारी समानताएं हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सनी देओल ने तो धर्म पाजी का किरदार निभाने के लिए कुछ हद तक सहमति जता दी, लेकिन धर्मेंद्र की बायोपिक में सलमान का नाम भी जुड़ रहा है। वैसे हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान को आज के समय का धर्मेंद्र कहा जाता है। दोनों कलाकारों में बहुत सारी समानताएं भी हैं, यहां तक कि खुद धर्मेंद्र सलमान खान में अपनी छवि देखते हैं। धर्मपाजी ने कई बार मीडिया के सामने ये बात कही है कि सलमान को जब मैं देखता हूं तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, मैं भी ऐसा ही शरारती हुआ करता था, मुझे उसमें अपनी छवि नजर आती है। यानी कि धर्मेंद्र खुद हिंट कर चुके हैं कि सलमान में उन्हें वो खुद को देख पाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सलमान खान धर्मेंद्र की बायोपिक में होंगे, क्या धर्मपाजी की बायोपिक बनेगी। हालांकि इन बातों की सिर्फ चर्चाएं शुरू हुई है, इनकी कोई पुष्टि तो नहीं है। अब ऐसे में दिलचस्प होगा कि अब देओल परिवार धर्मपाजी के बायोपिक बनाने की सोचेगा तो उसमें सनी देओल होंगे या सलमान खान होंगे। आपका क्या ख्याल है, किसे होना चाहिए धर्मपाजी की बायोपिक में, बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।